चाहिए। और ये बवाना इंडस्ट्रिक एरिया का व्यू है, देखो सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि अभी लड़के है नहीं ना इंडस्ट्रिक एरिया में, तो इसके चक्कर में भाई काम भी नहीं है हम सब पे, अगर लड़के रहते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंकज ड्राइव में। भाई अभी एक टाटा एस के बारे में बता रहा हूँ, जैसे दिवाली हुआ है तो दिवाली के बाद आज तक देख लो भाई, रोज के रोज की बता रहा हूँ मैं, शनिवार और संडे जो बवाना इंडस्ट्रिक एरिया होता है वहाँ पे तो बिल्कुल काम ना के बराबर है भाई। और मैं अपनी बता रहा हूँ कि अगर कोई गाड़ी भाई ले रहा है तो दिवाली के पहले मतलब एक महीना पहले या बाद में ना ले, क्योंकि भाई गाड़ी जो लेते हैं आदमी तो बिल्कुल काम धंधा नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, और मैं आपको जैसे कि दिवाली से आज तक रोज़ 1000 रुपये 1200 1500 रुपये हाईएस्ट कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है भाई। नहीं तो अगर तुम जैसे कि जनवरी या फरवरी में लेते हो आप, तो 2000 2500 रुपये कहीं नहीं जाता, और जिसके पास काम बढ़ा हुआ है 3000 3500 भी जाता है कमर्शियल गाड़ी में। बाकी जब मैं गाड़ी जो ले रखा हूँ, जो मेरा चैनल भी है और ऑनलाइन भी काम आता है भाई हमारा, मतलब कि वो नहीं पोर्टल और अंकल डिलीवरी पे नहीं, वैसे मतलब नंबर मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैं अपना नंबर डालता रहता हूँ तो आता है। तो मैं बता रहा हूँ अपनी, जो मैं अपनी बता रहा हूँ, 1000 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं काम कर रहा हूँ दिवाली से अभी तक। तो इसीलिए कहता हूँ कि कमर्शियल गाड़ी भी लो तो सोच समझ के लो। देखो जैसे कि मैं अभी गाड़ी लगाया हूँ 9 बजे, और ये लोकल चक्कर मारने जा रहा हूँ भाई मैं। लोकल चक्कर कितने रुपये किराया है? 200 रुपये भाई। बवाना का किराया लोकल का 200 ही है, बोलते हैं 250 लेते हैं हम, 300 लेते हैं, बाकी भाई अपनी अपनी वो है भाई। बाकी 200 रुपये लोकल चक्कर का खुला चल रहा है, जो एक टन के अंदर अंदर माल होता है। तो इसीलिए मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ अभी आप सबके लिए, कि भाई कहते हैं कि गाड़ी में कितनी कमाई है, आप कितना कमा लेते हो, तो कमाई हम सबका कोई फिक्स नहीं है। अगर जैसे कि जनवरी फरवरी में है तो भाई 60000 रुपये भी मंथली चले जाएंगे, काट कूट के आपको 20-25000 रुपये बचेंगे। और अभी समझ लो कि जो हम वही कमाए हुए पैसे होते हैं तो हम अभी भरते हैं वही चीज़, हमसे अभी काम कितना आ रहा होगा, गाड़ी का किस्त और CNG हाईएसआईएस हमारा दिहाड़ी निकल रहा होगा 500 400 रुपये। तो वही है भाई, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा आगे, क्योंकि अभी गेट बंद है, किसी फैक्ट्री में गाड़ी लोड हो रही है हमारी, तो अभी गेट बंद है। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं आप सबको कि गाड़ी लो तो सोच समझ के लेना कमर्शियल गाड़ी, क्योंकि भाई वैसे नहीं है गाड़ी, ये कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, तो इनको चलाया जाता है रोड पर तो काम के हिसाब से लिया जाता है। तो मैं देखो पीछे लोड हो रहा है, मैं पीछे की भी दिखा देता हूँ आपको मेरी गाड़ी, और सुबह सुबह का टाइम है इसीलिए मैंने गाड़ी ये देखो लो बिल्कुल ये कर रखा है, और ये लोड हो रही है गाड़ी अपनी भाई। भाई कल गाड़ी हमने सर्विस दिया था, धुलवाया था कल, और ये देखो गाड़ी बिल्कुल चमक रही है अभी तो फिलहाल। ये देखो हम सुबह सुबह का टाइम है, अभी ये बवाना से हमने स्टार्ट करे हैं देख लो, और ये भाई गेट अपनी खुल गई है कुछ इस प्रकार, ये देख सकते हो, और हम निकल गए हैं इंडस्ट्रिक एरिया से। यही लोकल चक्कर में ही जाएगा मेरा, हाईएस्ट 500 मीटर का होगा, 3 गली छोड़कर गले है, और ये बवाना इंडस्ट्रिक एरिया है अपना। सुबह का टाइम है बिल्कुल 9 बजने का है, कितना बज रहा है ये देख लो, टाइम दिखा देता हूँ आपको, 9:30 पर मेरी गाड़ी लोड हो गई है, और मैं जाऊँगा भाई यहीं पर, मेरा आई ब्लॉक से लोड हुआ है और मैं लेके जाऊँगा ए ब्लॉक में। और ये बवाना इंडस्ट्रिक एरिया का व्यू है देखो सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि अभी लड़के है नहीं ना इंडस्ट्रिक एरिया में, तो इसके चक्कर में भाई काम भी नहीं है हम सब पे, अगर लड़के रहते हैं तो काम भी होता है। तो इसीलिए कहता हूँ भाई कि कमर्शियल गाड़ी लो तो अपने दम पे लेना चाहिए भाई। देख लो गाड़ियों का क्या स्थिति है, और रोड का स्थिति देख लो, क्योंकि ये रोड मैं और भी तो वीडियो बनाता हूँ तो देखते ही हो आप, तो रोड पर देख लो बिल्कुल भी उतनी गाड़ी या उतनी मतलब आदमी नहीं चल रहे, क्योंकि है ही नहीं इंडस्ट्रिक एरिया में अभी आदमी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना आप। अगर वीडियो आप सबका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगता है अगर किसी का काम के लायक वीडियो होता लगता है हमारा वाला, तो शेयर भी करा करें भाई आप सब। और ये देखो ऐसी स्टैंड आ गए हमारा, ये देखो टेम्पो स्टैंड है, भगत सिंह चौक है, ये देखो भगत सिंह चौक पर भी गाड़ियाँ नहीं है उतनी, क्योंकि काम है नहीं तो ड्राइवर भाई उतने आ नहीं रहे भाई, ये देख लो भाई। तो ये स्थिति है यहाँ का, चलो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, ये अपना गोल चक्कर आ गया छोटा वाला सेक्टर 2 का।